हमारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर जो है फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, मैंने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर जो है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था कि भैया HNO3 का फॉर्मेशन होता है, और उसके अंदर बेटा मैंने जो आपको एक चीज बताई हुई थी, ये तीन प्रोसेस आपके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि भैया ये तीन प्रोसेस आखिर कैसे चीजें होती है। नाइट्रिक एसिड के बारे में बताया हुआ था कि भैया नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। तो वहां पे बच्चे मैंने आपको ये तीन जो है प्रोसेस के बारे में बताया, तीन विधि के बाद, तीन जो है स्टेप्स के बारे में बताया। उसके बाद चौथा स्टेप जो था बेटा वो सांद्रण का था, जिसको मैं जो है बताना भूल गया था। तो मेरी एंड से बच्चे एकदम आई एम वेरी वेरी सॉरी बच्चे, मैंने ये आपको वहाँ पे आपको ये चीज़ें बताना भूल गया। तो बच्चे हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि भैया सांद्रण कैसे चीज़ें होती है। देखो बच्चे, यहाँ पे हम जो फ्री स्पेस पे बात करते हैं कि भैया सांद्रण कैसे चीज़ें होती है। देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने बोला कि सांद्रण का जो होगा, अगर मेरे को इसका सांद्रण मतलब हमको जो है ये जो नाइट्रिक एसिड है, क्या है, एक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तनु नाइट्रिक एसिड मेरे को मिला, तो इस नाइट्रिक एसिड को मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, मतलब सांद्रण करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए यूज करूंगा बेटा। तो सबसे पहली जो विधि होती है बच्चे वो होता है आसवन, और आसवन में बच्चा 68% हमको जो है प्योर जो है HNO3 फॉर्मेशन मिल रहा होगा, HNO3 जो है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हमको मिल रहा होगा, नाइट्रिक एसिड मिल रहा होगा। अब दूसरी विधि की मैं बात करता हूँ, दूसरे विधि में बच्चा हमको क्या होता है, हमारा जो है लिक्विड का जो किंग होता है, हमारा केमिकल्स का जो किंग, जिसका नाम है बेटा H2SO4, ठीक है, H2SO4, इसका इसके बदौलत क्या होता है बेटा, जो HNO3 जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिससे हमको जो है 98% तक बच्चा हमको जो है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्राप्त होता है। कॉन्सेंट्रेट कहने का मतलब बच्चा वहां पे सांद्रता की मैं बात कर रहा हूँ, सांद्रित जो है HNO3 नाइट्रिक एसिड मेरे को मिल रहा होता है। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया? अब देखो ये कुछ फंडे बच्चे, इसको याद करके रखना। अब बच्चे मैं एक बात वहां पे और एड ऑन करना चाहूंगा कि जब हम HNO3 plus NO2 का जब हम लोग भैया क्या करते हैं, मिक्सचर रहता है, NO2 का मिक्सचर, मतलब कि HNO3 के अंदर ठीक है, मतलब HNO3 के अंदर NO2 का जो विलय रहेगा, विलय करेंगे तो इसका एक मिक्सचर बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा, उसी मिक्सचर इसी सॉल्यूशन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सधुम अम्ल बोल रहे होते हैं। क्लियर है बच्चा? तो ये बातें कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना कि हमारे कहते हैं HNO3 के अंदर जब NO2 का विलय करते हैं तो हमको एक मिक्सचर मिलता है, उसी मिक्सचर को बेटा हम लोग सधुम अम्ल बोल रहे होते हैं, फ्यूमिंग एसिड बोलते हैं इसी को, ठीक है, फ्यूमिंग एसिड, ठीक है, क्लियर है बच्चे को? तो इस प्रकार से हम ये पूरा का पूरा जो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन था यहाँ पे ओवरऑल बच्चा कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चे मैंने क्या बात की हुआ था, फॉस्फोरस के बारे में बात किया था कि फॉस्फोरस कैसे चीजें बनती है, फॉस्फोरस के अंदर फॉस्फीन बनाने की विधि मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, इसके बारे में भी यहाँ पे मैंने बताया हुआ। अब बच्चे फास्फोरस खत्म करने के बाद मैंने ऑक्सीजन के बारे में बात किया, ऑक्सीजन के अभी जो है बच्चे ऑक्सीजन के बारे में वापस से बात करूंगा कि ऑक्सीजन जो है एक्चुअल में कैसे बनती है, ऑक्सीजन कैसे बनती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किए हुए हैं, ऑक्सीजन में बच्चे मैंने आपको ये बताऊंगा, अभी बताया नहीं है बच्चा, ठीक है, मैं बताने वाला हूं कि भैया हमारा जो ओजोन होता है वो कैसे बनता है, वो ओजोन के भैया ओजोन किरण जो होती है, सीमेंस का जो ओजोनाइजर प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? अब बच्चे ये तो सारे फंडे मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले बच्चे हमको ये जान लेना है कि भैया हमारा ऑक्सी एसिड क्या होता है, क्या बेटा ऑक्सी एसिड क्या होता है, ऑक्सी एसिड के बारे में बात करेंगे। और ऑक्सी एसिड मतलब बच्चे हमको तीन प्रोसेस यहाँ पे ऑक्सी एसिड के पढ़ना पड़ेगा, ऑक्सी एसिड मतलब ऑक्सीजन के एसिड्स होंगे, ठीक है, एसिड्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। उसके अंदर बच्चे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंने क्या लिख दूं इधर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको तीन जो एलिमेंट के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले बच्चे हमको क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ना होगा, दूसरा बच्चे वो क्या कर रहा है, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, और तीसरा बच्चे सल्फर के ऑक्सो अम्ल। ये तीन जो है एलिमेंट का हमको ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ना होगा, और ये बच्चे एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा गया है। ये तीनों जो है बच्चे आपको एकदम जबरदस्त तरीके से मैं कराने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको जो स्ट्रक्चर के साथ बताने वाला हूँ कि एक्चुअल हमारा ऑक्सो अम्ल कैसे बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चे, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल की अगर मैं बात करूँ, ऑक्सो एसिड की बात करूँ, तो भैया ये आपको दिख रहा होगा क्लोरीन के ऑक्सो एसिड में अगर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो, एसिड का फॉर्मेशन होगा, एसिड का हमारा एक फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है बेटा, ऑक्साइड्स होते हैं, क्या बेटा, क्लोरीन के ऑक्साइड्स होंगे, उसी को हम लोग ऑक्सो एसिड्स बोलेंगे। अब मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो,
क्लोरीन के भैया हमारे पास चार जो है ऑक्सो एसिड मिलते हैं। क्या बच्चे? चार जो है ऑक्सो एसिड्स होते हैं। पहला जो होता है बच्चे हाइपोक्लोरस होता है। क्या बच्चा? हाइपोक्लोरस। हाइपो का मतलब ही होता है बेटा वो बहुत कम ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा होगा, बहुत कम ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा होगा। भैया मैंने आपको बताया कि सल्फर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सॉरी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है, वन होने वाला है। मतलब हाइपोक्लोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है एक होगा। मैं यहाँ पे लिखना भूल जाता हूँ, ठीक है? तो बेटा आपको फटाफट यहाँ पे लिख लीजिए, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या की यहाँ पे बात चल रही है। इसकी बच्चा ऑक्सीकरण संख्या की बात चल रही है, तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे दिख रहा है। और बच्चे इसका जो है सूत्र के बारे में यहाँ पे बात हो गई। ये हमारा क्या बच्चा? सूत्र है, ठीक है? ये हमारा क्या? केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है। क्लियर है सारे बच्चों को? ये तो इसका नाम है सिंपल से। अब देखो हाइपोक्लोरस का केमिकल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं बेटा, तो क्या होता है? HClO। अब एक एक ऑक्सीजन ऐड करते जाएंगे, एक एक ऑक्सीजन HCl में हाइपोक्लोरस में ऐड करते जाऊंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा? ध्यान से देखना, जब मैं हाइपोक्लोरस में एक ऑक्सीजन ऐड करूंगा तो मेरे को क्लोरस मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा? क्लोरस मिल जाएगा। सिंपल है सारे बच्चों को, समझ में आया? अब क्लोरस जब मिलेगा बेटा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HClO था, HClO था हाइपोक्लोरस के लिए। अब बच्चे ये क्या होगा? क्लोरस में बदलेगा तो क्या होगा? HClO2 हो जाएगा, HClO2 हो जाएगा, एकदम सिंपल, ठीक है? अब यहाँ से फिर से मैं ऑक्सीजन ऐड करूंगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरे को वापस से क्या मिलेगा? HClO3 मिलेगा। और फिर बच्चे मेरे को क्या मिलेगा? पर क्लोरिक अम्ल मिलेगा प्लस O2। इस प्रकार से मेरा क्या होगा बच्चा? क्लोरीन के जो ऑक्सो अम्ल है उसका हम लोग फॉर्मेशन सीख जाएंगे, ठीक है? अब एक्चुअल में आते हैं कि स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे इसको बनाया जाता है, इसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे बेटा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीकरण संख्या जो यहाँ पे बात की गई है बच्चे, इसको आप लोग फटाफट अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चे? अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, देखो यहाँ पे अपन को कुछ पेजेस की नीड होगी, क्योंकि बच्चे पेजेस हमको जरूरी है, तो पेज हमको जरूरत पड़ेगा। अब बच्चे मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे HClO ये अपन को हमको बताना है, ये हमारा जो बेसिक है, ये हमारा फंडा है, हमारा यही हमारा फंडा रहने वाला है। इसके एक एक ऐड करने के बाद हमको क्या मिला था? हमको सारे जो एलिमेंट थे, जो बाकी जो तीन ऑक्सो एसिड थे क्लोरीन के, वो हमको मिल गए थे। तो इसका स्ट्रक्चर पहले बना जिससे हमको सारी चीजें मिल जाएगी इजिली, ठीक है? अब देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट पर हमको क्लोरीन के बारे में बात, क्लोरीन रख देते हैं, अब क्लोरीन रखता हूँ बच्चे, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है? यहाँ पे मेरे को मिलेगा अब क्लोरीन यहाँ पे रखता हूँ बच्चे, तो मेरे को ऑक्सीजन का क्या होगा? डबल बॉन्ड यहाँ इस तरीके से मेरे को मिल रहा होगा, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड मेरे को मिल रहा होगा। अब ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है बेटा, तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन तो मेरे पीछे मिलेगा, इस प्रकार से मेरे को जो है एक बॉन्ड मिलेगा। स्ट्रक्चर भी सवाल ऐसी तैसी हो रही है, तो बच्चे यहाँ पे हाइपोक्लोरस की अगर बात कर दूं कि ये HClO का फॉर्मेशन कैसा था, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। क्या बच्चे? यहाँ पे जो क्लोरीन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो सेंटर पे है, क्लोरीन के बाद बेटा हमारा ऑक्सीजन का एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे सिंगल, क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्यों क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड है? क्योंकि क्लोरीन का जो वैलेंसी होती है बेटा वो एक ही होता है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी है इसका, क्लोरीन का क्या होता है? वन होता है। क्या बेटा? हाइपोक्लोरस के लिए वन होता है। भैया यहाँ पे बात कर दूं कि क्लोरीन जो है ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ मर्ज रहेगा, और जो हमारा ऑक्सीजन को दो की जरूरत है तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ
एक और बोर्ड बनाएंगे जिससे बच्चे हमको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, और बाकी का बाकी स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरे को दिख रहा होगा। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया? ठीक है, अब बच्चे ये हमारा क्या होता है, हाइपोक्लोरस का स्ट्रक्चर होता है। क्या बेटा? हाइपोक्लोरस का स्ट्रक्चर हो रहा होता है, समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक है, अब देखो हाइपोक्लोरस के स्ट्रक्चर के अंदर मैं अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं, देखो एक ऑक्सीजन ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा बच्चा, मेरे को इसके जगह पे जो हम जो बनाए ना बेटा, ये जो आपको जो दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, इसके जगह पे एक ऑक्सीजन और आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, आपको इसको करा देता हूं, ये देखो सेम स्ट्रक्चर मैं इस तरीके से और लेके आ जाता हूं। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे यार। ठीक है, क्या होता है अब देखो यहां पे, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहां पे एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। मतलब मैं बात करूं बेटा, हमारा जो प्रोसेस क्या हो रहा था, यहां पे एक जो है ऑक्सीजन अपन ऐसा ऐड कर रहे थे, सिंपल सारे बच्चों को समझ में आया। अब एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा जो तीन फूल की तरह दिख रहा होगा ना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है ऐड हो जाएगा। अब ऐड होगा तो वो कैसे दिखने लग जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो इस तरीके से दिखने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिखने लग जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इस प्रकार से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। समझ में आया सारे बच्चों को? अब फिर से इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम क्लोरस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरस बोलते हैं। ये हमारा क्या था, ये हमारा हाइपोक्लोरस था, हाइपोक्लोरस था, ये हमारा क्या था बेटा, हाइपोक्लोरस था। और ये मेरा क्या होने वाला है, ये मेरा क्या होने वाला है, क्लोरस होने वाला है, सिंपल। ठीक है, ये हमारा क्या होने वाला है, क्लोरस। यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने आपको बताया क्लोरस होता है, ठीक है, उसके बाद क्लोरिक, उसके बाद पर क्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बनाते हैं बच्चे, क्या बनाते हैं, क्लोरिक बनाएंगे। अब जब क्लोरिक बनाएंगे तो क्लोरिक कैसे बनता है, इसके ऊपर बात करते हैं। यहां से फिर से ऑक्सीजन का मैं ऐड ऑन करता हूं, तो मेरे को ऑक्सीजन जोड़ने के बाद बच्चे क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, क्लोरस से क्लोरिक मिल जाएगा, क्लोरिक एसिड मिल जाएगा। तो इसको मैं फटाफट और जो है कॉपी कर लेता हूं, जिससे मेरे को वापस से ऐसे ही स्ट्रक्चर और मिल जाए। देखो बच्चा, यहां पे अपन स्ट्रक्चर और जो है कॉपी कर दिए इस तरीके से। देखो अब देखो बच्चा, ये तो स्ट्रक्चर कॉपी हुआ, लेकिन भाई यहां पे जो है हमको ये चीजें भी मिटानी पड़ेगी। क्यों मिटानी पड़ेगी बच्चा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो है ना क्लोरीन इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, इससे अपन बनाए, इससे नहीं, इससे बनाए ना, क्लोरस से बनाए। तो क्लोरस से बनाने के बाद बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड मेरे को इस तरीके से मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, और एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया हूं मैं, तो मेरे को क्या मिलेगा, इससे डबल बॉन्ड मेरे को फिर से ऑक्सीजन मिलेगा, और मेरे को एक फूल कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा। तो ये मेरा होता है बेटा, ये होता है क्लोरिक, ये होता है बेटा क्लोरिक, क्लोरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे मैं अम्ल नहीं लिखा हूं, तो बेटा ये मत भूल जाना कि क्लोरिक अम्ल के बारे में बात चल रही है। अब यह मेरा हुआ क्लोरिक अम्ल। अब इसके ऊपर मैं एक और जो है ऑक्सीजन ऐड कर देता हूँ, एक और ऑक्सीजन ऐड कर देता हूँ, तो मेरे को ओवरऑल स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे मैं बना देता हूँ फटाफट। देखो इसको हम कॉपी करके लेके आते हैं भैया, क्योंकि हमको कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करना ऐसे एग्जाम के अंदर मत कर देना भाई। ठीक है, या इसको कॉपी करके लेके आ जाते हैं। अब देखो कुछ कुछ पोर्शन जो है कॉपी हो गए, कुछ कुछ पोर्शन कॉपी नहीं होगी शायद, हाँ हो गई सारी चीजें पोर्शन। अब देखो यहाँ पे जो फुल टाइप का आपको दिख रहा होगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो आपको दिख रहा होगा, इसको में इसकी जगह पे एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा, ये जो है दिख रहा है ये पूरा का पूरा हट जाएगा, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी हमारा जो ऑक्सीजन है, वो क्या करके डबल बॉन्ड बना के रह जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। तो हमको लास्ट में बेटा पर क्लोरिक अम्ल मिल रहा होगा, पर क्लोरिक अम्ल इस कुछ इस तरीके से मिलेगा। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया बच्चा कैसे चीजें होती है? पहले अपन ने क्या किया, हाइपोक्लोरस से एक ऑक्सीजन ऐड करके हमने क्या बनाया, क्लोरस बनाया, और क्लोरस में एक ऑक्सीजन फिर से ऐड करके हमने बनाया क्लोरिक एसिड, और क्लोरिक एसिड में फिर से एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन जो है ऐड करके अपन ने क्या बनाया बेटा, पर क्लोरिक एसिड बना दिया। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया मक्खन तरीके से, समझ में आ गया? तो बेटा सब लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो में जाके बेटा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे कि सर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया करके। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा सल्फ्यूरस, ठीक है, सल्फर का ऑक्सो एसिड बच्ची, सॉरी यहाँ पे जो है कुछ गलतियाँ हो गई है, तो इसको थोड़ा सा तो है इग्नोर करना कि भैया ये जो सल्फ्यूर है, ये जो फॉस्फोरस का नहीं, ये जो है सल्फर, ठीक है, ये सल्फर के ऑक्सी अम्ल है। क्या बच्चा? सल्फर के ऑक्सी अम्ल। तो यहाँ पे सल्फर के ऑक्सी अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया सल्फर के ऑक्सी अम्ल कैसी चीजें होती है, मैंने पहले से ही लिख दिया बेटा, क्योंकि आपका टाइम सेव करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए आपने पहले ही लिख दिया। देखो यहाँ पे सल्फर के जो है ऑक्सी अम्ल कुछ इस तरीके से हमारे पास सात रहते हैं, सात ऑक्सी अम्ल के ऊपर बात करें, लेकिन एग्जाम्स के अंदर ना बच्चे आपको सिर्फ और सिर्फ पांच ऑक्सी अम्ल लिखने को पूछा जाएगा। क्या बच्चा? पांच ऑक्सी अम्ल लिखने को पूछा जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। ठीक है बेटा, यहाँ पे बात करते हैं पांच के बारे में बात करूंगा फिलहाल बच्चे, मैं सारे यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन भैया आपको एग्जाम्स के अंदर पांच ही लिख के आने हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? आपको मेहनत नहीं करनी भाई वहां पे ज्यादा। ठीक है, अब देखो अगर मैं भैया सल्फर के ऑक्सी अम्ल की बात करूं, तो सल्फर के यहाँ पे ऑक्सीजन का एड ऑन होगा,
ठीक है, ऑक्सी सॉरी सल्फर के जो है ऑक्सी एसिड के यहाँ पे जो है अभिक्रियाएं होने वाली, तो उसको कैसे करते हैं उसके बारे में पहले बता दूं। यहाँ पे एक जो है हमको, जैसे कि मैं बताऊं बेटा, यहाँ पे अपन जो इसको क्या कहते हैं, इसको हीरो मान के भैया, इसको हीरो मान के अपन ने सारी चीजें बनाई हुई थी स्ट्रक्चर, सेम उसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी हमारा कोई एक हीरो होने वाला है जिससे सारी की सारी मूवी जो है डिपेंड करने वाली। बेटा यहाँ पे जो हमारा हीरो होने वाला है वो कौन है बेटा, H2SO4, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और ये जो होता है बेटा क्या होता है, किंग ऑफ, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना, मतलब रसायन का भैया राजा होता है ये, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल के नाम से हमारा जाना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का समझ आया, तो किंग ऑफ केमिकल हमारा क्या होता है, H2SO4। इसी को फंडा मान के, इसी को हीरो मान के हम लोग सारा स्ट्रक्चर जो है इसका बनाने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या करो कि ये जो है, ये जो स्लाइड है बेटा, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको सारी चीजें एक ही स्लाइड पे मिल जाए। क्लियर है सारे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर बनती है। देखो बच्चा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, अब चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो H2SO4 का आखिर स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये मैं बताता हूँ। देखो H2SO4 क्या होता है बेटा, H2SO4 H2SO4 के बारे में बता रहा हूँ कि भैया H2SO4 के बारे में बात करें तो H2SO4 में क्या होता है, देखो हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन जो है दो है, सल्फर जो है हमारा, सल्फर तो मेन कंटेंट है, हमारा सल्फर ही तो हीरो है इसके अंदर, हमारा सल्फर ही तो हीरो है इसके अंदर। अब सल्फर जब हीरो है बेटा, तो इसके आस पास जो है मेरे को ऑक्सीजन मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, ऑक्सीजन मेरे को इस तरीके से मिल रहा होगा, इस तरीके से देखो, ये ऑक्सीजन मेरे को कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो चार होता है बेटा, चार होता है, मतलब कि इसके चार इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। और सल्फर कौन सी फैमिली का जो एलिमेंट है बेटा, ऑक्सीजन फैमिली का तो एलिमेंट है, ऑक्सीजन फैमिली का ही तो एलिमेंट है ना बच्चे, तो ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये क्या किया, चार बॉन्ड बना लिया। अब बच्चे चार बॉन्ड बनाया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और यहाँ पे मेरे को हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, तो इस प्रकार से पूरा हमारा जो है सल्फ्यूरिक एसिड का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। अब इसके अंदर जब स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चे, तो स्ट्रक्चर देखने के बाद अपन को ये पता चलता है कि सर यहाँ पे जो है, अब इसे स्ट्रक्चर देखने के बाद जो कितने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है ये अपन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड की बात करूं बेटा, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड के बारे में यहाँ पे बात करती है, पाई मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड के बारे में बात की जाती है। तो अपन ने यहाँ पे सर, हाँ तो बच्चे यहाँ पे अपन थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे बेटा क्या होता है हमारा O2 ऐसा जो है डबल फॉर्मेशन लगता है, डबल बॉन्ड के साथ बंधा रहता है जो आउटर सेल में रहता है वो, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो फुल है। देखो ये इसके साथ एक बॉन्ड इसके साथ बनाया और दूसरा बॉन्ड इसके साथ, मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन फिल हो गए यहाँ पे, लेकिन इसके पास तो और जो है कई भी रास्ता नहीं, तो इसको दो इलेक्ट्रॉन तो देना ही पड़ेगा ना बाबा, इसको दो इलेक्ट्रॉन तो देना पड़ेगा ना। इस प्रकार से हमारा जो सल्फर होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो जाता है, क्या बेटा, 6 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो यहाँ से क्षारकता की अगर मैं बात करता हूँ, क्षारकता की बात करता हूँ, तो बेसिक ठीक है, क्षारकता की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे क्षारकता कैसे निकाली जाती है इसके बारे में बात करूँ। क्षारकता जब भी हम ऑक्सी एसिड के फंडे के ऊपर आते हैं ना बेटा, तो क्या होता है, जितना जो है इसका जस्ट उल्टा, जैसे हम लोग बात करते हैं एसिड एंड बेस के केस पे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो निकलना होता है, कितने प्रोटॉन्स जो है निकल पा रहे हैं, ठीक है, कितने प्रोटॉन्स जो है वो निकल पा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम उसकी एसिडिसिटी की बात करते हैं, अम्लीयता की बात करते हैं। लेकिन बच्चे जब हम इस तरीके से स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब आते हैं, तो कितना हाइड्रोजन जो है निकलता है वह उसकी क्षारकता कहलाती है, वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। तो उसकी क्षारकता बेटा यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है। मैं बोल सकता हूँ बेटा इसकी जो क्षारकता कितनी होती है, 2 होती है, मतलब ये द्विक्षारकता होती है, इसकी जो संरचना में द्विक्षारकता होती है। नेचर में एसिडिक होता है बेटा, नेचर में एसिडिक होता है, प्रकृति में क्या होता है बेटा, प्रकृति में इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन की कैपेसिटी के हिसाब से मैं इसकी क्षारकता की अगर बात करूं तो वो क्या होती है, 2 होती है। और इसकी संकरण की अगर मैं बात करूं बेटा, इसकी संकरण की अगर मैं बात करूं तो संकरण की बात कर सकते हैं, इसका जो संकरण होता है sp3 स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है बेटा, चतुष्फलकीय आकार का होता है, जो कि आप लोगों ने कक्षा 11वीं में ही बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा होगा कि चतुष्फलकीय क्या होती है, ठीक है, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर की तरह होती है। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चों के सारे फंडे जो है समझ में आए होंगे। sp3 संकरण के बारे में आपको पता है, sp3 संकरण के बारे में पता ना बेटा, तो sp3 संकरण, अब यहाँ पे sp3 कैसे हो गया, देखो ध्यान सुनो, ठीक है, यहाँ पे जो भैया क्या है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे बेटा एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखता है। तो मेरे को क्या मिला, यहाँ पे 4 सिग्मा और जो है 2 पाई बॉन्ड मेरे को मिलता है, 4 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, तो क्या हुआ, 4 सिग्मा से बने, 4 सिग्मा मतलब यहाँ पे sp3 संकरण मेरे को मिल रहा होगा,
ठीक है। इस प्रकार से बेटा हम लोग जो है चतुष्फल की आकृति का बनाते हैं। अगर मैं इसको चतुष्फल के आकार में बताऊं बेटा, ध्यान सुनना, इसका अगर चतुष्फल के आकार में बताऊं तो चतुष्फल में क्या होगा, यहाँ पे एक सेंटर में हमारा जो है क्या होगा, सल्फर होगा। उस सल्फर के साथ, ठीक है, उस सल्फर के साथ देखो बच्चे, अगर इसकी चतुष्फल की आकृति की अगर मैं बात करूं तो चतुष्फल की आकृति कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे सेंटर पे हमारा एक सल्फर होने वाला है, उस सल्फर से मेरा एक ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से जुड़ेगा। अब बेटा एक ऑक्सीजन जुड़ा, हमारा जो दूसरा ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, हमारा तीसरा ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से जुड़ रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से जुड़ रहा होगा। अब बच्चे बात करो, यहाँ पे मेरा OH होगा, OH ग्रुप, और यहाँ पे मेरा OH ग्रुप कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, चतुष्फलकीय आकार का होता है, क्या बेटा, चतुष्फलकीय आकार का होता है। तो ये हमारा जो है सल्फर का चतुष्फलकीय आकार होता है, और इसी आकार को बच्चे, इसी को सेंटर मान के अपन लोग पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन करने वाले हैं कि आखिर ऑक्सीजन एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। क्लियर सारे बच्चों, ये पहले सबसे पहले सारे बच्चे क्या कर देंगे, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेके कैसे चीजें होती है, ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपन को जो है यहाँ पे एक्चुअल अब पढ़ना पड़ेगा भैया, पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना ही है बेटा, कि क्या पढ़ना है, सल्फ्यूरिक एसिड से कौन कौन से स्ट्रक्चर अपन बना पाएंगे। मतलब सिंपल बच्चे, मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया बेटा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इससे अपन क्या करेंगे बेटा, ध्यान सुनना, ध्यान से देखना और समझना की चीजें मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से बच्चे, H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 में जब हम क्या करते हैं, एक जो है ऑक्सीजन निकाल देते हैं, एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं तो मेरे को क्या मिलता है, H2SO3 मिल रहा होता है बेटा, एकदम सिंपल ना, एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो वहां पे H2SO3 मेरे को मिल जाएगा, H2SO3 मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। जब वहां से मैं एक और जो है ऑक्सीजन निकाल देता हूं तो मेरे को मिलता है बेटा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO2 हो रहा होता है, H2SO2, ठीक है। इस प्रकार से अपन बात करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि कैसे चीजें होती है। चलिए बच्चों, जो है हम देखते हैं कि आखिरकार जो है सल्फर का जो ऑक्सो एसिड जो है स्ट्रक्चर जो है वो आखिर कैसे बनता है। देखो मेरे बच्चे, सल्फर का ऑक्सो एसिड के मैंने तो यहाँ पे बता दिया, लेकिन आखिर स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मैंने ये वाला भी बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, और जो है बेटा चतुष्फल की स्ट्रक्चर हमको इस कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसी चतुष्फल की जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? तो चलिए देखो बच्चे, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने आपको जो ऑलरेडी ये बना के रखा हुआ है कि भैया हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो है बहुत ज्यादा बेस होने वाला है, हीरो होने वाला है एक्चुअल में, मैं बोलूँ तो, ठीक है। देखो यहां से क्या करते हैं, जब हम एक ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं, क्या बेटा, एक ऑक्सीजन, देखो यहां से क्या हुआ, H2SO4 में एक ऑक्सीजन मैंने निकाला, एक ऑक्सीजन निकालने के बाद यहां पे मेरे को क्या बना, H2SO3 का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम लोग सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। अब सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान से देखो, इसको पहले देखो, इसको तो अपन पहले कॉपी कर लेते हैं फटाफट, जिससे हमको जो है इजी हो जाए कि भैया कॉपी करने जो है लिखने की ज्यादा नीड ना पड़े, इस तरीके से बेटा, ठीक है। अब देखो, जब ये हम बनाए तो इसके ऊपर में क्या हुआ, एक एक, एक जो ऑक्सीजन है वो निकाल देंगे, एक ऑक्सीजन निकालने के बाद बेटा क्या होगा, यहाँ पे एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच जाएगा, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच जाएगा जो कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच जाएगा, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा होता है बेटा सल्फ्यूरस एसिड, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, ये हमारा क्या होता है सल्फ्यूरिक H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये होता है बेटा क्या होता है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं इसको, क्लियर। अब बच्चे मैंने क्या बोला, एक ऑक्सीजन निकालने के बाद मेरे को ये मेरा सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चे इसको मैं जो है एक ऑक्सीजन और निकाल दूं, इससे मैं एक ऑक्सीजन और निकाल दूंगा तो मेरे को क्या मिलता है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहां से मैं फिर से बेटा क्या निकाल दूं, यहां से एक ऑक्सीजन मैं निकाल देता हूं तो मेरे को हाइपोसल्फ्यूरस एसिड मिल जाएगा। और देखो यहां से एक ऑक्सीजन निकालने पर मेरे को एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मिला, तो बेटा यहां पे अगर मैं दो ऑक्सीजन मैं निकालूंगा तो मेरे को दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मिल जाएगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं फटाफट, जिससे मेरे को इजी हो इसको स्ट्रक्चर बनाने में। अब देखो बच्चे क्या होगा, यहां पे अगर मैं ऑक्सीजन को जो है निकालूं, एक ऑक्सीजन निकालूं, तो ऑक्सीजन निकालने के पश्चात मेरे को इस ये जो बॉन्ड डबल बॉन्ड था ये टूट के यहां पे मेरे को एक एकांकी युग्म और इस तरीके से मेरे को मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है बेटा H2, इसको मैं लिख देता हूं H2SO2 होता है, H2SO2 यही होता है बेटा, H2SO2 हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल, हाइपोसल्फ्यूरस में यहाँ पे लिख नहीं रहा, तो आप लोग समझ जाइए कि ये क्या होता है, हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल होता है, हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, सारे स्ट्रक्चर सारे नाम, और जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब इसका प्रैक्टिस करोगे तभी सारी चीजें जो है याद हो पाएगी, सारे स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो पाएंगे।
जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चे, तो ये चीजें आपके दिमाग में सेट नहीं होगी। याद रखना बेटा, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। जिस तरीके से वो मैथमेटिक्स जो होता है ना बेटा, वो प्रैक्टिस मांगता है, उसी प्रकार जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रिएक्शंस होते हैं वो प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा समझने की कोशिश करोगे, तब तक वो क्या होगा बेटा, अच्छे से समझ में आएगा। अगर उसको छोड़ दोगे बेटा, तो वहां से जो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर उसको करना छोड़ दोगे तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बना हमारा, जो है हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड बना। अब बच्चे अपन को क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, मैं यहां से स्ट्रक्चर बना देता हूं बेटा, इसको अगर समझ नहीं आ गया तो आप सारी चीजें समझ जाओगे। देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो यहां से जब मैंने किया, ठीक है, यहां से जब किया मेरे को क्या मिला, H2SO2 मिला। H2SO2 मिलने के बाद बच्चे मेरे को क्या चाहिए रहेगा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। मतलब मेरे को क्या करना है यहां पे, सिंपल सी बात है, मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा, H2 एक जो है सल्फर एड ऑन करना पड़ेगा। क्या बच्चा, एक सल्फर जो है एड ऑन करना पड़ेगा। किस पे एड ऑन करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से। मेरे को क्या चाहिए, थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड चाहिए। तो मेरे को इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, H2H2S2O3 होता है। लेकिन मेरे को जो हाइपोसल्फ्यूरस से मैं करूंगा तो मेरे को नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चे इसके ऊपर देखो, ऊपर देखो, थोड़ा ऊपर देख लो भैया, क्या होता है यहां पे, SO3 होता है। इस H2SO3 से जब मैं एक सल्फर ऐड करता हूँ इस H2SO3 में, जब एक सल्फर ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, H2S2O3। और वही तो होता है बच्चा, H2S2O3 यही तो हमारा सल्फ्यूरस, सॉरी थायोसल्फ्यूरस एसिड होता है ना, थायोसल्फ्यूरस एसिड। समझ आया? तो यहाँ पे बच्चे किससे रिएक्ट करना पड़ेगा, ये सेकंड वाला है बेटा, इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस का जो है एक सल्फर ऐड कर दूंगा, जिससे क्या होगा, H2S2O3 का फॉर्मेशन होगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में बना सकता हूँ इस सल्फ्यूरस एसिड से, एक जो है एस जो है ऐड कर दूंगा। देखो बच्चे यहाँ से मैंने क्या किया, एक सल्फर जो ऐड कर दिया, और सल्फर ऐड करने के बाद मेरे को बच्चे क्या मिलेगा, इसको जो थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, स्पेस को ले लेते हैं। क्यों स्पेस लेते हैं, क्योंकि हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके लिए भी तो जगह बचनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ना अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं, यहाँ पे जो है कंटिन्यू कर लेते हैं, जिससे हमको स्पेस की नीड भी हो जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ सल्फर हुआ, अब यहाँ पे सल्फर ऐड कर दें, तो यहाँ पे जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बाकी है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पे वो सल्फर जाके बैठ जाएगा। अब जब बैठेगा बेटा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो सल्फर है, इस सल्फर में क्या बेटा, ये सल्फर जो इस तरीके से बैठ रहा होगा, इस सल्फर के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। अब बच्चे OH जो है मेरे को, तो OH रहेगा यहाँ पे, OH ही रहेगा। और बच्चे यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से बेटा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। क्लियर है, सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है, ये स्ट्रक्चर एकदम जबरदस्त तरीके से सारे बच्चों को समझ। इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा, वो इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, H2S2O3 होता है, H2S2O3 होता है। समझ में आया सारे बच्चों को? एकदम क्लियर है कि नहीं भाई? क्लियर होगा तभी जो है इस वीडियो को जो है एकदम दोस्तों तक फैलाना। आपने जो, जब तक ये जो है आपकी ये कंसेप्ट जो क्लियर ना हो जाए, तब तक ये वीडियो जो है रिपीटेडली देखते रहना बच्चा, ठीक है, तभी जाके क्लियर होती है। ठीक है, अब देखो इजिली नहीं होता भाई, समझ आए? यहाँ पे एस प्लस जो ऐड किया, तो हमको जो है H2S2O3 मिला। अब बच्चे मेरे को ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ से अगर मैं ऑक्सीजन ऐड करता हूँ, वो भी कितना ऑक्सीजन, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अगर मैं जो है इससे ऑक्सीजन जो है ऐड करता हूँ, H2S2O3 से जो है ऑक्सीजन में ऐड करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, मेरे को ओलियम मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, H2S2O5 का डिफरेंस है, H2S2O8 का डिफरेंस है, ठीक है, O8 का डिफरेंस है। अब बच्चे मैं क्या करूँ, बच्चे ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से समझना। अगर बच्चे मैं जो है थायोसल्फ्यूरस एसिड का, इधर मैं लिख देता हूँ, थायोसल्फ्यूरस एसिड का जो H2S2O3 है ना, H2SO3 जो है, इसमें क्या कर दूँ बेटा, इसमें जो है मैं 5 ऑक्सीजन जो है ऐड कर देता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, मार्शल अम्ल मेरे को मिल जाएगा। क्या बेटा, मार्शल अम्ल मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सी सल्फ्यूरस एसिड। क्या बेटा, पर ऑक्सी सल्फ्यूरस एसिड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको अपन बोलते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी यहाँ पे हम डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड मेरे को कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा। तो बेटा ध्यान से समझना मैं क्या बोला यहाँ पे, कि भैया यहाँ से जो प्लस का जो है ऑक्सीजन फाइव करूंगा, फाइव ऑक्सीजन क्या करूंगा, प्लस करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, H2S2 और ऑक्सीजन में 3 था, अब यहाँ पे प्लस करने के बाद बच्चे मेरे को क्या मिला, 8 मेरे को मिल गया। तो यहाँ पे 8 जो है ऑक्सीजन मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और ऐड करने के बाद मेरे बच्चे यहाँ पे कैसे होते हैं, ध्यान से देखना स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा, ऑक्सी का जो मतलब होता है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन जो एक सिंगल बॉन्ड में ऐसा बंधा रहता है, ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड में बंधा रहेगा, तो मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से बंधा होगा,
अब देखो बच्चा, यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड में बंधा होगा ना भैया, बंधा तो होगा ही होगा, क्योंकि ये पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। अब देखो पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से सिंगल बॉन्ड में बंधा होगा, डबल नहीं सिंगल बॉन्ड में बंधा होगा। अब सिंगल बॉन्ड में जब बंधा है बेटा, तो ये इससे क्या कनेक्ट होने वाला है, हमारा सल्फर कनेक्ट होने वाला, और ये जो है यहाँ पे OH मिलेगा, और इसका जो है डबल बॉन्ड मेरे को ऑक्सीजन मिलेगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, और ऊपर है बेटा जो सल्फर था, यहाँ पे जो सल्फर था उसको ऑक्सीजन लात मार के भगा देगा बेटा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस ऑक्सीजन में प्लस 5 ऑक्सीजन ऐड करता हूँ, तो ये सल्फर को लात मार के भगा देगा, क्योंकि उसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होती है। तो भैया यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, हमारा जो है ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, एक साइड का स्ट्रक्चर हुआ भैया, ठीक है, एक साइड का स्ट्रक्चर बन गया। अब दूसरे साइड में जब देखते हैं, तो बेटा दूसरे साइड में देखने पर हमको ये मिला कि ये जो है यहाँ पे मेरे को सल्फर मिलेगा, और सल्फर को भैया यहाँ पे डबल ऑक्सीजन के बॉन्ड से, और ये होता है बच्चे मेरा जो है एक जो है ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH कुछ भी इस तरीके से मेरे को मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे, इसको अपन क्या बोलते हैं, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जिसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, जिसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, H2O2H2OH, ये मेरा क्या होता है भैया, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसको हम लोग मार्शल एसिड भी बोलते हैं बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड भी बोल रहे थे, इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं बच्चा मार्शल एसिड, इसी को हम लोग मार्शल एसिड भी बोलते हैं, मार्शल अम्ल भी बोलते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये सारी चीजें आपको जो है जबरदस्त तरीके से क्लियर होगी। यहाँ पे बेटा हम लोग 5 स्ट्रक्चर जो है बारे में सीख गए कि आखिर 5 स्ट्रक्चर जो है कैसे बनता है। अब छठे स्ट्रक्चर के लिए बच्चे अपन को ये स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा अपन को जो है स्पेस की जरूरत है। तो कहाँ से स्पेस लेके आए, देखो ध्यान से भैया, इसका स्पेस लेके आते हैं कहाँ से, ठीक है, इसका स्पेस की थोड़ी जुगाड़ बनाते हैं। इसको अपन कॉपी करते हैं बेटा, इसको अपन कॉपी करने के बाद कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा जो है, ये स्ट्रक्चर को बेटा अपन ने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ये देखो बच्चा अपन ने क्या कर दिया, ये स्ट्रक्चर को छोटा करके रख दिया। छोटे करने के बाद अपन को ये मिला बेटा, ये स्ट्रक्चर के जगह पे अपन को ये जो है बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो गया, स्पेस मिल गया, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो गया, स्पेस मिल गया, जिससे ये एक ही स्लाइड में सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है बेटा एक ही स्लाइड पे आ जाएंगे, ठीक है, एक ही स्लाइड पे आ जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा इसको भी छोटा कर देता हूँ, जिससे एक ही स्लाइड के अंदर ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाए, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे अपन बात कर दिए कि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं फटाफट। अब देखो ये हमारा क्या था, H2O8 बना था, जिसे हम लोग मार्शल एसिड बोलते हैं। इस मार्शल एसिड से देखो, ध्यान से देखो कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे क्या था, मार्शल एसिड मेरे को यहाँ पे मिला था। अब मेरे को ओलियम बनाना है, अब यहाँ से ओलियम बनाना कितना इजी है, ध्यान से देखो ओलियम बनाना कितना इजी है, वहां से H2O8 था। अब यहाँ पे बेटा क्या हो गया, एक जो है ऑक्सीजन में निकाल देता हूँ, तो मेरे को ओलियम मिल जाएगा, क्या मिलेगा बच्चा, ओलियम मेरे को मिल जाएगा। ओलियम बनाने के लिए बेटा ध्यान से देखो, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल दूंगा, H2O8 से एक ऑक्सीजन निकाल दूंगा, तो मेरे को ओलियम मिल जाएगा। तो देखो ध्यान से, एक ओलियम कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पे जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, डबल जो है हमारा ऑक्सीजन है, इस बॉन्ड जो है सिंगल हो जाएगा, क्या बेटा ये बॉन्ड जो है सिंगल हो जाएगा, मतलब कि दोनों जो हमारा जो एसिड है बेटा, ये दोनों जो एसिड है एक ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस प्रकार से बेटा हमारा क्या होता है, ओलियम का फॉर्मेशन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O7, ये हमारा ओलियम का फॉर्मूला था। इस प्रकार से बेटा हमारा पूरा ओवरऑल जो है सल्फर के जो ऑक्सी एसिड होता है उसको हम लोग यहाँ पे खत्म कर चुके। देखो बच्चे सबसे पहले मैं आपको जो है रिवाइज करा देता हूँ कि कैसे चीजें अपन लेके गए, ठीक है, देखो ध्यान से सुनते रहना, सारी चीजें समझते रहना, क्यों ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चे अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको लिखते हैं भैया H2SO4, ठीक है H2SO4, इस H2SO4 से एक जो है ऑक्सीजन निकाल दिया, तो एक ऑक्सीजन निकालने के बाद मेरे को मिला सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3 मिला, और एक ऑक्सीजन निकालने के बाद यहाँ पे मेरे को एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया, एक ऑक्सीजन निकाला। तो अब बच्चे यहाँ से जब मैं एक ऑक्सीजन और निकालता हूँ, तो मेरे को क्या मिला, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड मिला, जो कि यहाँ पे डबल जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कुछ इस तरीके से बनता है। समझ में आया सारे बच्चों को, ठीक है। अब बच्चे सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरस जो अम्ल होता है, उस सल्फ्यूरस अम्ल से हम लोग क्या करेंगे, एक सल्फर ऐड करने, ध्यान से देखना ये जो प्रोसेसर है ना, एक सल्फर ऐड करने पर मेरे को मिला बच्चा, मेरे को क्या मिलता है, H2SO3 का फॉर्मेशन होता है, H2SO3 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, H2O
H2O3 का फॉर्मेशन। अब इस फॉर्मेशन के अंदर जब हम जो है पांच जो है बेटा क्या करते हैं ऑक्सीजन का ऐड करते हैं, तो पांच ऑक्सीजन ऐड करने पर आज मेरे को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है। इसका स्ट्रक्चर का साइज मैं जो थोड़ा सा बढ़ा देता हूं जिससे आपको जो है विजिबिलिटी जो है थोड़ी अच्छी हो जाए, ठीक है। मैंने इसको क्या था, जगह कम थी बेटा, इसलिए मैं यहां पे जो इसको साइज को थोड़ा सा कम कर दिया था। अब बच्चे मैंने इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया जिससे आपको समझने में थोड़ी जो है इजी हो जाएगी। अब देखो यहां ये जो हमारा होता है पांच ऑक्सीजन ऐड करने के बाद मार्शल एसिड जिसे हम बोलते हैं पेरोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो ये हमको पेरोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड मेरे को मिल गया। अब बच्चे यहां से जब मैं एक ऑक्सीजन यहां से भैया जब मैं एक ऑक्सीजन निकाल देता हूं तो मेरे को क्या मिलता है बेटा H2S2O3 जिसे हम लोग ओलियम बोल रहे होते हैं। ओलियम इस तरीके से बच्चा पूरा का पूरा जो सल्फ्यूरिक का जो सल्फ्यूरिक सल्फर का जो है ऑक्सो एसिड था यहां पे पूरा हम खत्म कर चुके हैं। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हम लोग जो है फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड के ऊपर आएंगे। बच्चे इस प्रकार से पूरा का पूरा जो सल्फर का ऑक्सो एसिड क्लोरीन का ऑक्सो एसिड यहां पे खत्म कर चुके हैं, ठीक है बच्चा। अब आने वाले वीडियो के अंदर बच्चे हम लोग फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड के बारे में बात कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों ये वीडियो जो है यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, धन्यवाद, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा।